मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ी है क्लास टू का EVS और हमें पढ़ना था सब चैप्टर 8 सेफ्टी रूल्स। हमने रीड कर लिया था और आज हमें इसका एक्सरसाइज करना है। सो हम लोग बुक लेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑन विच साइड ऑफ रोड शुड वी वॉक, लेफ्ट, राइट या सेंटर? इसका आंसर होगा लेफ्ट। वॉट विल यू यूज टू स्विम इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम? बॉल, स्विमिंग ट्यूब या बकेट? इसका आंसर इज स्विमिंग ट्यूब। वी शुड प्ले गेम्स ऑन द रोड, ऑन द टेरेस, इन अ प्ले ग्राउंड? इसका आंसर है इन अ प्ले ग्राउंड। वी कैन प्ले विथ ब्लेड, बॉल या नाइफ? इसका आंसर है बॉल। यूजिंग द क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स, नेवर टीज स्ट्रे एनिमल्स। यहाँ पे होगा टीज। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। इफ यू टच स्विच With wet hands, you may get a shock. Do not run down the staircase. ठीक है, ये हो गया फिल द ब्लैंक्स। अब ट्रू फॉल्स करेंगे। टेक द सेंटेंस विच आर करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, ट्रू। नेवर रन अक्रॉस द रोड, ट्रू। Never stand on the footboard of a moving bus, true. Always go for swimming alone, wrong. We should touch electrical appliances with wet hands, wrong. अब ये हमारा एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ करेंगे और क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लोग अपनी कॉपी लेंगे, देन क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर 8 सेफ्टी रूल्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ शुड वी क्रॉस अ रोड? इसका आंसर लिखेंगे वी शुड क्रॉस द रोड, cross the road at a zebra crossing when the pedestrian traffic light is green. Question number 2, how should you travel in a bus? इसका आंसर लिखेंगे you should travel in a bus पहला लिखेंगे, stand in a queue at the bus stop। सेकेंड लिखेंगे, बी इन अ क्यू, डू नॉट पुश अदर्स टू गेट इन टू और गेट आउट ऑफ डी
नेवर स्टैंड ऑन द फुट बोर्ड ऑफ ए मूविंग बस। फोर्थ लिखेंगे डू नॉट लीन आउट ऑफ ए मूविंग बस। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम थिंग्स विथ विच यू शुड नॉट प्ले। इसका आंसर लिखेंगे, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स नाइव्स और ब्लेड्स। यू मे गेट हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फर्स्ट एड। का आंसर लिखेंगे, इफ समवन गेट्स हर्ट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर इमीडिएटली। दे विल गिव हिम फर्स्ट एड। ठीक है, the immediate treatment given to an injured person before the arrival of a doctor is called first aid. Okay, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसे क्वेश्चन आंसर को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके okay?